हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे बाद में आपको प्लेलिस्ट में खोजना ना पड़े। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन करना हो, कुछ भी रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं 2 से 3 दिन में सभी कमेंट का जवाब देता हूं, तो मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो जैसे आज मंडे है तो मैं वेंसडे तक सभी कमेंट का जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज जो है हम मैथ का पेपर जो 12 फरवरी 2014 को हुआ था उसका पार्ट वन देखेंगे। 1 से 13 क्वेश्चन है, बाकी पार्ट टू में जो कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा उसमें 13 से 25 क्वेश्चन होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर 1 से 25 क्वेश्चन का सीधे एक सेट अपलोड कीजिए, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उसको बनाने में कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो एक साथ मैं 30 से 40 मिनट का लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूं, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन था, यदि ए बटा बी का भागफल धनात्मक है, इफ द ग्रेडिएंट ए अपॉन बी इज पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन चलता जाएगा वैसे वैसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लास्ट तक देखिएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ए इंटू बी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कैसे? देखिए अगर ए आपका लेस देन जीरो है और बी लेस देन जीरो है तभी तो पॉजिटिव आएगा, मतलब माइनस ए अपॉन माइनस बी, तभी तो इसका भागफल जो है पॉजिटिव आएगा। तो इसका माइनस इंटू माइनस इंटू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तब भी ए इंटू बी ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ऐसी लघुत्तम संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड बाई 5, 7, 11 and 13 लीव रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स ऑफ 2, 4, 8 and 10। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन करने से पहले आप देख लीजिए, देखिए क्या कहता है, ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर 2, 4, 8 और 10 बचे। देखिए जब 5 से विभाजित करेंगे तो कितना बचना चाहिए, 2। 7 से विभाजित करेंगे कितना बचना चाहिए, 4। 8 से विभाजित करेंगे, सॉरी 11 से विभाजित करेंगे तो 8 बचना चाहिए, और 13 से करेंगे तो 10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन रहता है अक्सर, क्योंकि MTS लेवल का क्वेश्चन है, तो जब इनका आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे इनको आप, तो आपको हरदम सेम वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पे तीन 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 वैल्यू सेम मिलती है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू सेम मिल रही है तभी, तब आप क्या करेंगे, 5, 7, 11 और 13 का LCM ले लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे गुणा हो जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, 35 × 13। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 455। हाँ, 455 इंटू गुड़े 11 आ जाएगा आपका 5005। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आएगी, जो इनका LCM आएगा 5, 7, 11 और 13 का जो LCM आएगा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, उस से हम जो इनकी कॉमन वैल्यू रहेगी, जब कॉमन वैल्यू रहेगी तभी जो है वो माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5002। ठीक है, आप MTS का पेपर देने जा रहे हैं, आपको मैक्सिमम 99.9% है कि ये जो है कॉमन मिले। ठीक है, तो इसको आप पहले चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 आवर्स इफ ए डज द जॉब अलोन इन 6 आवर। ठीक है, यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, 2 घंटे में करेंगे ए जो है 6 घंटे में और बी, ठीक है, 5 घंटे में। जब भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन हो और ऐसा बन जाए तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, LCM, और उससे क्या आ जाता है हमारा, टोटल वर्क। तो 2, 6 और 5 का लघुत्तम समापवर्त LCM क्या होगा, देखिए 30 होगा, LCM निकालना आप लोग तो जानते ही होंगे, 2, 6, 5, 2, 5, 3, 15, 2, 9, 30। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क आ गया कितना, 30। ठीक है, अब ए बी और सी मिल के 2 घंटे में काम कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कितना काम है, 30। ठीक है, तो
तो 30 काम 2 घंटे में कर लेते, तो 1 घंटे में ये 15 काम करते हैं और ये 6 घंटे में करता है, ठीक है। तो 1 घंटे में ये 5 काम करता है और 1 घंटे में ये 6 काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए, ए जो है 1 घंटे में 5 काम करता है, बी जो है 1 घंटे में 6 काम करता है, और ए प्लस बी प्लस सी में तीनों मिला के 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 15, ठीक है। तो ए का पता है कितना है, 5, बी का पता है 6 प्लस सी इक्वल टू 15, तो सी 1 घंटे में कितना काम करता है, 4, ठीक है। सी 1 घंटे में 4 काम करता है, टोटल काम हमारे पास कितना है, 30, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाला है टोटल काम हमारे पास कितना है, 30, तो सी टोटल काम कितने देर में ख़त्म कर देगा, 1 घंटे में 4, तो 30/4, 15/2, और इसको बोल सकते हैं 7 सही 1/2 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी याद आ गया, कुछ लोग कहें सर आप क्वेश्चन जल्दी पलट देते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, आप आराम से पॉज करके वो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे, 4 पुरुष अथवा 6 ओमेल, ठीक है, ओमेन, और 10 चिल्ड्रेन किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है। मतलब या तो 4 महिला, सॉरी 4 पुरुष या 6 महिला या 10 चिल्ड्रेन, तीनों में से कोई एक जो है मिलके 5 दिन में उस काम को करेगा, ठीक है। तो पेंट करने का कार्य एक पति पत्नी उनके 5 बेटों को दिया गया, मतलब एक मेन शामिल है उसमें, एक वुमेन शामिल है और उनके 5 बेटे हैं, ठीक है। तो वो कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए, काट दीजिए इसको, 2 से कटेगा, 2 men = 3 women = 5 children। आप नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ऐसे थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। तो अब हमें देखिए क्या पता है, हमें पता है कि 2 men = 5 children, यहां से हम 1 men = कितना होता है ये निकाल सकते हैं, 5/2 children, ठीक है। फिर क्या पता है, 3 women = 5 children, यहां से 1 woman = कितना होता है ये निकाल सकते हैं, 5/3 children, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हमें पता चल गई, 1 men और 1 woman की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो 1 men की जगह रख देंगे क्या, 5/2 children, कोई एक कर लीजिए आप, तो या मेन कर लीजिए या वोमेन, किसी एक में चेंज कर लीजिए बस, ठीक है। 5/3 children 1 woman = और प्लस 5 children, तो हमारा है ये 1/2 कर देते हैं, क्योंकि जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो 2 3 6, 5 3 15, इनको ऐड कर देंगे, 3 2 6, 5 2 10, 1 6 5 30, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया, ये ऐड करेंगे, 30 10 40, 5 55/6 children, ये हमारे टोटल चिल्ड्रेन में आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 चिल्ड्रेन किसी काम को 5 दिन में करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, 10 चिल्ड्रेन किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 55/6 children उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपने ये फार्मूला तो पढ़ा होगा, m1d1 upon w1 = m2d2 upon w2, चूंकि यहाँ पे काम सेम है तो इसको हटा देंगे, क्योंकि बराबर है, एक एक रख के दो दो रख के एक ही काम है तो कट जाएगा बाद में, ठीक है। तो m1d1 क्या है मेरा, मेन, ठीक है, ये m1 5 है और कार्य कितने दिन में है, सॉरी 10 चिल्ड्रेन है, m1 10 है, d1 कितना है, 5 दिन में करते हैं, ठीक है। और m2 हमारा कितना है, 55/6 children, और d2 क्या है, पूछा है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 × 5 × 6 / 55, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये 5 यहाँ से 11 हो जाएगा, 60/11, 60/11, और इसको जब आप काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सही 5/11 डे, 11 5 55, 5 60/11, ठीक है, आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बाड़ लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता है, ठीक है, और रेलिंग आप 288 मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग अ सेमी सर्कल पार्क। सेमी सर्कल पार्क मतलब कुछ ये ऐसा होगा आपका, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, देखिए अब बार जो है, फेंसिंग जो है कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, सॉरी रेड पेन ले लेते हैं, देखिए ये होगा, ये आपका पूरा यहाँ पे लगेगा, उसके बाद यहाँ पे भी लगेगा, ठीक
तो ये क्या हो गया, ये अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, फुल वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का कितना होगा, पाई आर, ठीक है। और यहाँ पे भी तो लगेगा, ये आपका व्यास हो गया, या 2 आर कर लीजिए, ठीक है, त्रिज्या का दूना, तो ये हमारा हो गया पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। क्या दिया है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बाड़ लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता है, ठीक है, इसकी वैल्यू दिया है 288। तो हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस 2 इक्वल टू 288, ठीक है, पाई की वैल्यू यहीं पे रख देते हैं, 22/7 + 2 = 288, और ये रेडियस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 7 होगा, 1 × 7 = 7, 7 × 14 = 14, 14 और 22, 22 × 10 = 32, 4 = 36, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 36/7, यही होगा, ठीक है। अब इसको इधर करेंगे तो 288, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा, ये आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप देखिए, देखिए काटने के लिए पहले दो तीन से मत काटने लगा कीजिए आप लोग, पहले देखा कीजिए, ये 288 है, ठीक है, ये बटे 36 है, तो पहले 30 मान लीजिए, 30 से इसके पास जाइए, तो 30 × 25 = 150, 30 × 7 = 21, 8 × 24 = 30 × 8 = 240। देखिए 8 बार में करता है क्या, 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24, और 4 × 7 = 28, कट गया, बस काट दीजिए, ऐसे पहले पास जाया कीजिए, कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 56। अब हमें क्या है, आर की वैल्यू पता चल गई 56, हमें क्या निकालना है, पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये आधा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 πr², बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का मान बताया 22/7 होगा, × 56 एंड देन 56, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 11 हो जाएगा, मतलब 88 × 56, ठीक है। तो जब आप 88 × 56 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4988 × 56, 8 × 6 = 48 को 8, ऐसे लगा 4 × 6 = 48 और 4 = 52, 8 × 5 = 40 को 0, ऐसे लगा 4 × 5 = 44, 8294928 मीटर स्क्वायर जो है पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। आपने सवाल सही लगाया है, तो आंसर मैच करे चाहे ना करे, ठीक है, आंसर इसका आएगा क्या, 4928, यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक बस के पहिए की त्रिज्या दिया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बात को ध्यान रखिए कि गति बनाए रखने के लिए पहिए के प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको लगेगा बस डिवाइड करो निकाल दो, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, इसको बहुत ज़्यादा चेंज करना है। देखिए क्या पूछा है, पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा, इधर किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर सेंटीमीटर है, तो पहले आप जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालिए, ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, परिधि मतलब 2 πr, ठीक है, तो 2 × 22/7 × 35, ठीक है, 7 × 25 = 35, 5 × 10 = 220, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। देखिए ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो आपको सार चीज करीब उसी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या दिया है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखने के लिए, तो 33 किलोमीटर प्रति आवर्स है, इसको पहले चेंज कीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो कैसे करेंगे, 33 × 5/18 m/s, ठीक है, तो ये कट जाएगा 11, 3 से कटेगा 55/6, ठीक है, 3 × 6 = 18, 3 × 11 = 11, 11 × 5 = 55, ये आ गया आपका क्या, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 55/6 m/s। अब ये है किसमें, सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 5500/6 cm/s। अब एक चीज ध्यान से देखिए, गति क्वेश्चन है कि गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा, ये वैल्यू है प्रति सेकंड, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 60 से, ठीक है, तो 5500/6 × 60, अब ये आ गया आपका सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है, ये 10 हमारा क्या आ गया, 55,
1.0, 2.0, 3.0 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है, और कितनी बार घूमना पड़ेगा, तो एक चक्कर में कितना जा रही है, 220 सेंटीमीटर। बस अब आपका आ जाएगा कि 1 मिनट में पहिया कितनी बार घूमेगा, काट दीजिए 22, 5, 2, 250। ठीक, कितनी बार घूमना पड़ेगा, आंसर होगा क्या हमारा, 250। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोग को ये सही लगा होगा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन कितना कन्वर्जन था। ठीक है, वैल्यू का अगर इसमें जो है आपका वीमी कन्वर्जन था, उसको आपको चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है, ठीक है, तुरंत, जैसे परसेंट की बात करता है हम क्या लिखते हैं, 10/100, 1/9, सॉरी 1/10। ठीक है, एक ग्राहक को ₹560 कीमत का सूटकेस, 90 कीमत का बैग और 45 कीमत की तौलिया खरीदने में मिलने वाली छूट, ठीक है, तो आप अलग अलग निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा सबको जोड़ के निकाल दीजिए। देखिए 90, 45, 135 होगा, 9, 4, 13, 135, ठीक है, और 560 में जोड़ दीजिए कितना, 5, 6, 3, 9 और 5, 1, 6, 695, 10% तौलिया खरीदने पे मिलने वाली छूट बताइए। तो 10% की वैल्यू निकालनी है, 1/10, 69.5 आंसर आ गया तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई, एक व्यक्ति ने सीडी के लिए ₹24 अदा किए, नगद छूट कितनी मिली, ठीक है, 25% मतलब जैसे आपको 25% दिखे, आप 25/100, 1/4 कर दिए इसको, ठीक है, मतलब अगर कीमत थी ₹4 तो उसको कितने मिली, ₹1 सस्ती, ₹3 की, ठीक है, सीडी के लिए उसने अदा कितना किया, 24, मतलब कितने के मल्टीप्लाई पे, 8, ठीक है, तो नगद छूट कितनी मिली, कितने की मिली, 1, 1 बराबर क्या है, 8 है, पहले से पता 8 तक 24, तो कितनी की छूट मिली, 8 की, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। एक विक्रेता ₹950 अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर 20% और 10% की छूट मिलती है, ठीक है, तो इसको आप x प्लस वाई से भी निकाल सकते हैं फार्मूले से, लेकिन हम कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, 20% बराबर 20/100 मतलब 1/5, 10% बराबर 10/100 मतलब 1/10, ठीक है, तो मतलब अगर वही कोई सामान 5 का है तो उसको ₹1 की छूट मिलती, कितने मिलती है, 4 की, 10 का है तो ₹1 की छूट मिलती, कितने में मिलती, 9 में, तो 15 में 50 गुणा कर देंगे इसका, 4 9 36, ठीक है, तो 50, ठीक है, तो इसको पहले 100 बना लेते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 100, 72, 100 का सामान है तो उसको कितने मिलता है, 72 में, लेकिन अंकित मूल्य है कितना, ये देखिए 950 है, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 950, तो कितने से गुणा है, 9.5 से यहाँ पे क्या है, गुणा है, ठीक है, into 9.5, ठीक है, तो 9.5 से गुणा है तो आप 72 में भी 9.5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 684, मतलब उसको जो पड़ा है कितने का पड़ा है, 684 का, ठीक है, अब वो क्या करता है, पेंट कराने पे ₹66 खर्च करता है, तो 66 ऐड कर दीजिए, 8, 6, 14, 15, कितने का पड़ गया, 750 का, ठीक है, वो कूलर को 25% लाभ पे बेचता है, मतलब 750 का 125 निकाल देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, 125/100, इसको काट दीजिए, 25 25 125, 25 चौके 100, ठीक है, अब इधर 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 4 1 4 3 35, 4 8 32, 3 30, 4 5 20, 6 24, 4 7 28, 187.5, ठीक है, अब इसका गुणा कीजिए, 5 25 5, देखिए पॉइंट ए, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए खटाखट, ठीक है, 5 7 35, 2 8 37 को 7, अब यही ऑप्शन बचता है, या तो आप यहीं पे टिक मार लीजिए या चेक कर लीजिए कि पूरा क्या होगा, ठीक है, 5 8 40 और 3 43, 3 हासिल लगा, 4 5 1 5 4 9, आंसर आ गया 937.5, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल सिंपल लिमिटेशन क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है तो, CGL के कंपेरिजन बहुत ही सिंपल रहते हैं, CGL और CGL के कंपेरिजन, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी सिंपल है, राम 8 दिन में 125 अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में, तो अर्जन का अनुपात, तो 1 दिन का इनका निकाल दीजिए, 125/8, ठीक है, रेशियो, ठीक है, 125/8 / 140/10, ठीक,
अब आपको ऐसे 8 से काटने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल कीजिए, 8 दिन का दिया 125, ठीक है, इसका 10 दिन का 140 दिया, क्या दिया 10 दिन का 140, ठीक है, तो इसका 2 दिन का 8 दिन का निकाल दीजिए, 8 दिन का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 दिन का घटा देना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन का आ जाएगा, तो 5 से यहाँ पर भी डिवाइड कर दीजिए, 5 दूना 10 40, 5 8 40, 2 दिन का 28 है, तो 140 से आप 28 तुरंत घटा दीजिए, 10 में से हट गया 2, 3 में से 2 गए 112, ठीक है, तो बराबर हो गए 125 संबंधे 112, इसका भी 8 दिन का इसका, तो रेशियो आ गया 125 संबंधे 112, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यदि एक परमाणु का 3 संबंधे 5 के अनुपात में विभाजित किया गया, ठीक है, बड़ा भाग 75 है, बड़ा भाग की वैल्यू कितना दिया 75, मतलब 5 बड़ा है इसमें, तो 5 की वैल्यू कितना दिया है 75, तो कितने गुणे पे बैठा है 15 गुणे पे, 15 चौके 60, 15 पचे 75, टोटल पूछा है परिमाण बताए, टोटल कितना है, ये 3 है, ये 5, 5 3 8 है, ठीक है, टोटल 8 है, और ये यहाँ पे 15 पे है, तो इसमें भी 15 का गुणा कर देंगे आप, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 120, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 120, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये किसी पॉलिथीन की बात किया है, ठीक है, क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा इसमें लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, अभी मैंने देखा है तो इसको मैंने छुपा दिया है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ क्या है क्वेश्चन, एक मनी बैग में, ये क्या है मनी बैग, एक मनी बैग में रुपए, और सॉरी इसका इंग्लिश वर्जन नोट नहीं कर पाया जल्दी जल्दी में, एक मनी बैग में रुपए 1, रुपए 2 और रुपए 5 के सिक्के हैं, ठीक है, इसका इंग्लिश पढ़ देता हूँ, इन मनी बैग देयर आर 1 क्वाइन, रुपए 2 क्वाइन एंड रुपए 5 क्वाइन, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्वाइन बी 4:3:2 एंड द टोटल मनी इन द बैग इज रुपीज 500, द अमाउंट ऑफ मनी इन रुपी 2 डिमोनेशन इज, ठीक है, रुपए 2 के सिक्के की मनी की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या दिया है, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात, ध्यान से देखिए ये अनुपात क्या है, सिक्कों की संख्या का, ठीक है, और टोटल क्या दिया है रुपए, तो इस अनुपात को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अब देखिए रुपए 1 के 4 सिक्के तो कितने रुपए हुए 4 रुपए, तो 4 तो इसी तरह रह जाएगा, ठीक है, रुपए 2 के 3 सिक्के हैं, ठीक है, तो कितने हुए रुपए 2 के 3 सिक्के 6 रुपए हो गए, 6 कर दीजिए, ठीक है, रुपए 5 के 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो रुपए 5 के 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो गए टोटल 10, ठीक है, काट दीजिए, ये अब हमारा जो रेशियो आ गया वो किस में आ गया रुपए में, मतलब हमारे पास टोटल 500 रुपए हैं, किस रेशियो में 2 संबंधे 3 संबंधे 5, ठीक है, तो रुपए 2 के सिक्के में कितनी राशि, ये वाला जो है आपका रुपए 2 का सिक्के की राशि है, ठीक है, तो निकाल लीजिए बस 3 गुणे 5 3 8 तो 10, टोटल 10 और ये 500, तो 500/10, ठीक है, कट गया कितना आ जाएगा 5 3 150, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा टोटल 150 सिक्के हैं, ठीक है, तो दोस्तों मैंने तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है कि आप लोग को क्लियर कर सकूं हर चीज़, फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं रिप्लाई करने में, तो आप परेशान मत हो जाइएगा, लेकिन मैं रिप्लाई जो है ज़रूर करता हूँ, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, आपके जो भी क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा, उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, थैंक यू दोस्तों।